की जननी की धरती पर खड़े, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए, हम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए, हम बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आए। क्या कारण था कि आपका पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बड़ी बुरी हालत में था, और क्या कारण था जब हमारी सरकार बन गई तो 5 साल के अंदर उसको हमने फिर से जागृत किया और कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना बना। ये अंतर है। नित्यानंद जी के साथ हम बचपन में आया करते थे, जब युवा मोर्चा में थे, पता नहीं चलता था कि खेत में चल रहे हैं कि सड़क में चल रहे हैं, सड़क है या खेत है मालूम ही नहीं चलता था। आज बोलते हैं कि आप गांधी सेतु से आओगे या जयंती सेतु से आओगे, ये फर्क आ चुका है। लेकिन हाँ, जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा, और आज मैं कह सकता हूँ कि जंगल राज आ गया है। मुजफ्फरपुर में जमकर बरसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही इस दौरान कहा कि बिहार में जंगल राज आ गई है और यहां लोग अब सुरक्षित नहीं हैं। यहां पर बिहार में जनता के जनादेश का अपमान सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं, जबकि हम बिहार का सत्ता सुख लेने नहीं आए, हम तो बिहार का नेतृत्व करने आए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा। हम 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन दे चुके हैं, 48 देशों को हम मुफ्त दे चुके हैं, 1.5 करोड़ डोज हम मुफ्त दे चुके हैं। ये भारत का एक आत्मनिर्भर का परिचय है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए विकास की अगर हम बात करें, देश को आत्मनिर्भर होने की बात करें, तो नए आयाम हम लोगों ने स्थापित किए। अभी ये यूक्रेन का युद्ध हुआ, कौन सा ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को वापस लाया हो? कौन सा ऐसा देश है? क्या अमेरिका लेकर के आया था? क्या ऑस्ट्रेलिया लेकर के आया? क्या हमारे पाकिस्तान के लोग लेकर के आए? क्या बांग्लादेश के लोग लेकर के आए? क्या श्रीलंका के लोग लेकर के आए? लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में जेलेंस्की से बात की, यूक्रेन का युद्ध रुकवाया और 32,000 छात्र सुरक्षा के साथ वापस भारत पहुंचाया। ये भारत का बदलती तस्वीर, 32,000। और एक बात और सुन लीजिए कि हमारे देश का तिरंगा झंडा लेकर के दूसरे देश के विद्यार्थी भी, वो भी सुरक्षित भारत पहुंच गए, यह भी काम कमाल की बात है। अगर मैं बात करूं, आज 200 साल राज किया हमको ब्रिटेन ने, ब्रिटानिया ने हमको 200 साल राज किया, आज इस आर्थिक मंदी में भी भारत ने ब्रिटानिया को पछाड़ करके दुनिया की हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, दुनिया की हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 साल पहले 92% यहां रविशंकर जी बैठे, हमारे पूर्व आईटी मंत्री हैं, जब ये मंत्री बने थे तो 92% मोबाइल दुनिया से भारत को आता था, 92%। आज 97% भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है मोबाइल और दुनिया को दे रहा है। मुझे याद है, मैं जब पहली बार एमएलए बना तो मेरे पास, और आप सब लोग जितने एमएलए बने हैं सबका आपने देखा होगा, इसका इलाज कराना है, इसका बाईपास होना है, इसको स्टंट लगना है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, इसका गुर्दे का ऑपरेशन होना है, इसका लीवर का ऑपरेशन होना है, इसको 3 लाख लगेगा, इसको 2.5 लाख लगेगा। और मैं स्वास्थ्य मंत्री होता था और मैं कहता था, देखो भैया मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ तू इंतजाम कर लो, मैं तुमको 1 लाख दे देता हूं। मन में पीड़ा रहती थी कि ये 1 लाख दिया है
इससे बचेगा कि नहीं बचेगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसके पास अगर व्यवस्था और नहीं हुई तो ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन मोदी जी आए, भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका दिया और कहा नड्डा कुछ बड़ा करना है और देश के गरीब लोगों की हमको स्वस्थ सुरक्षा देनी है। आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग, और 50 करोड़ लोग का मतलब होता है सारी अमेरिका की जनसंख्या, सारी मेक्सिको की जनसंख्या, सारी कनाडा की जनसंख्या और आधी यूरोप की जनसंख्या जोड़ लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को समझना चाहिए। और की जननी की धरती पर खड़े हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए, हम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए, हम बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आए। क्या कारण था कि आपका पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बड़ी बुरी हालत में था, और क्या कारण था जब हमारी सरकार बन गई तो 5 साल के अंदर उसको हमने फिर से जागृत किया और कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज पटना बन गया। क्या कारण था, मंगल पांडे जी बताएंगे वो इंस्टीट्यूट, वो कौन सा इंस्टीट्यूट था, आईजीआईएमएस। क्या कारण था कि वो उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, आपने भारत सरकार में हम लोग को बैठाया, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, दुगनी ताकत के साथ मैंने इनको पैसे देकर के उसको फिर से रिवाइव किया। क्या कारण था कि वही पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जहां मैं भी जन्म लिया हूं वो वहीं का वहीं खड़ा था, और क्या कारण था कि आज वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनकर के तैयार है और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने की भी तैयारी। ये अंतर है। नित्यानंद जी के साथ हम बचपन में आया करते थे, जब युवा मोर्चा में थे पता नहीं चलता था कि खेत में चल रहे हैं कि सड़क में चल रहे हैं, सड़क है या खेत है मालूम ही नहीं चलता था। आज बोलते हैं कि आप गांधी सेतु से आओगे या जेएनपी सेतु से आओगे, ये फर्क आ चुका है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, सारे विकास के आयाम यहां पर बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हां जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगी, और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा, अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए हैं, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है, यही नहीं पता चल रहा कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं, और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा, और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। बताइए आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ना, आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, करेंगे ना। मैं इधर से सुनना चाहता हूं, बिहार की जनता कमल के निशान को आगे बढ़ाएगी, बढ़ाएंगे मित्रों। 97% दुनिया को मोबाइल दे रहा है,
सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। स्टील में हम, इस्पात में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए, दूसरे नंबर के। अगर हम बात करें केमिकल्स में तो हमारा एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात 7 गुना बढ़ गया। अगर हम बात करें फिर दवाइयों की तो दुनिया के प्रगतिशील देशों की फार्मेसी भारत बन गई है और दुनिया को सस्ती दवा देने का काम भारत ने पकड़ा है। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो गया है और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन हम यही नहीं रुके हैं। मैं यहां वैशाली में आया हूं, बताइए आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? बताइए बहने, आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? मैं तो गांव से आता हूं, मैंने तो देखा है कैसे बहने सुबह सुबह उठ करके लकड़ी इकट्ठा करती थी और लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाती थी और आपके यहां गोइठा बनाया जाता था, उसको थापा जाता था। क्या बोलते हैं? थापना ही बोलते हैं, थापना ही ना। गोइठा थापा जाता था, धूप में सुखाया जाता था, उससे चूल्हा जलाया जाता था और तब जा करके धुएं के बीच में एक कप चाय बना करके बहने अपने पति देव को दिया करती। आजकल 11 करोड़ बहने हैं लाइटर से टक से गैस का चूल्हा जलाती हैं और 15 मिनट में चाय पिलाती हैं और 1 घंटे में भोजन खिला करके पति देव को विदा कर देती है, जाओ काम पर जाओ। यह महिला सशक्तिकरण हुआ। मैं बिहार में 55 दिन गुजरा, मैं आपके सामने वो तस्वीर कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं थी कि सुबह सूरज उगने के पहले और शाम को सूरज ढलने के पहले बाद हमारी बहनें गांव से निकल करके झुंड की झुंड अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाया करती थी? क्या यह तस्वीर नहीं देखी? जब मोदी जी ने कहा स्वच्छता अभियान, तो लाल किले पर जब ये बात कही तो उनका मजाक बनाया गया, कहा कि भारत का प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है, वो भी लाल किले से। वो इसलिए मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेसी भाई, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी नहीं थी, उनको मालूम नहीं था। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर देकर के 3 लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य का कवच दिया, 5 लाख रुपए, और हर साल दिया। अगर 2022 में आपका 5 लाख खर्च हो गया तो 2023 की जनवरी को मोदी जी फिर से आपके लिए 5 लाख रुपए लेकर के तैयार हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो आपका इलाज होगा। क्या यह बदलता भारत है कि नहीं है? बोलिए, यह बदलता भारत है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? मैं यहां से आ रहा था, अभी मैं निकला, आप बताइए ये जेपी सेतु कब बना? आप बताइए ये नेशनल हाईवे पर काम कब चला? आप बताइए ये फ्लाईओवर कब बन रहे हैं? आप बताइए विकास के लिए आपके गंगा पर ही 5 बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? 5 बड़े ब्रिज, एक क्रांति आ रही है। मैं जब हेलीकॉप्टर से कई बार जाता हूं तो हर नदी पर देखता हूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौवा खड़ा हो रहा है, कोई ना कोई ब्रिज बन रहा है। ये 3 किलोमीटर का है, ये 6 किलोमीटर का है, ये 7 किलोमीटर का है। आप तो 6 और 7 किलोमीटर गिनते हैं ना, मैं तो गिनता हूं कि पैसे कितने लगे, तो पता लगता है ये 1,500 करोड़ का है, ये 2,500 करोड़ का है, ये 3,000 करोड़ का है, ये हजारों करोड़ की ब्रिज आज बन रहे हैं। ये बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे, इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूं, ये सब काम कब हुए? जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। 1,25,000 करोड़ का मोदी जी ने ऐलान किया था, 56,000 करोड़ के तो आपके सड़कें बन रही हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं। 3,000 किलोमीटर की आपकी नेशनल हाईवे थी, आज 5,500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बन रही है, एक नया इंतजाम के साथ काम हो रहा है। लेकिन हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऊपर से हम लक्ष्मी तो पूरी दे दें,
लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दे और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। मैं यहां बैठा हूं, अभी गोपाल ठाकुर जी मेरे को मिले थे, मैं जानना चाहता हूं। मैंने नीतीश जी से एक बार नहीं, चार चार और पांच पांच बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री कहा कि दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए जमीन दीजिए। बड़े मुश्किल से जमीन मिली है, लेकिन मैं हिमाचल से आता हूं, मैंने भी एक बिला। साथ ही उस दौरान उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी जी ने पुतिन और जेलेंस्की से बात की, फिर वहां से 32,000 भारतीयों को सही सलामत स्वदेश वापस लाए। उस दौरान दूसरे देशों के छात्र भी तिरंगा झंडा लेकर वहां से निकल आए थे। ये है हमारा आज का भारत।